आईपीएल को लेकर आप सभी को बेसब्री से इंतजार है और जो आईपीएल फैंस है वो तो आईपीएल ऑक्शन को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक होंगे। तो आईपीएल फैंस के लिए एक खुशखबरी है, बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज की है जिसमें बीसीसीआई ने आईपीएल ऑक्शन को लेकर सारी जानकारी दी है। तो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी तो जानते ही होंगे कि आईपीएल का ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होना है जिसकी टाइमिंग 2:30 बजे की है। वह इंडिया के टाइम के हिसाब से 2:30 बजे आईपीएल ऑक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन बीसीसीआई ने करीब एक हफ्ते पहले ही ऑक्शन को लेकर कुछ जानकारी दी है। ऑक्शन के लिए कुल 333 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 214 भारतीय खिलाड़ी और 119 विदेशी खिलाड़ी हैं। इसमें से लगभग 77 खिलाड़ी ही चुने जाएंगे, जिसमें कुल 23 खिलाड़ियों ने खुद की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखी है और 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए रखी है। इस बार खिलाड़ियों पर बोली लगाने के लिए फिलहाल फ्रेंचाइजी के पर्स में कुल मिलाकर 262 करोड़ रुपए है। अगर हम बात करें किस फ्रेंचाइजी के पास कितना पैसा है, तो सीएसके के पास कुल 31 करोड़ रुपए है, डीसी के पास कुल 28 करोड़ रुपए है, गुजरात टाइटंस के पास कुल 38 करोड़ रुपए है, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास कुल 32 करोड़ रुपए है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के पास कुल 13 करोड़ रुपए है, मुंबई इंडियंस के पास कुल 17 करोड़ रुपए है, पंजाब किंग्स के पास कुल 29 करोड़ रुपए है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास कुल 23 करोड़ रुपए है, राजस्थान रॉयल्स के पास कुल 14 करोड़ रुपए है और सनराइजर्स हैदराबाद के पास कुल 34 करोड़ रुपए है। वही अगर हम बात करें कौन सी टीम के पास कितने खिलाड़ियों की जगह है, तो सीएसके के पास 6 खिलाड़ियों की जगह है, दिल्ली के पास 9 खिलाड़ियों की जगह है, गुजरात टाइटंस के पास 8 खिलाड़ियों की जगह है, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 12 खिलाड़ियों की जगह है, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के पास 6 खिलाड़ियों की जगह है, मुंबई इंडियंस के पास कुल 8 खिलाड़ियों की जगह है, पंजाब किंग्स के पास भी 8 खिलाड़ियों की जगह है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास 6 खिलाड़ियों की जगह है, राजस्थान रॉयल्स के पास 8 खिलाड़ियों की जगह है और सनराइजर्स हैदराबाद के पास कुल 6 खिलाड़ियों की जगह है। ऐसे ही और आईपीएल से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्रिकेट मैचअप।